Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is sixth part of the first lecture of aldehyde and ketones. और इसमें हम कंडेंसेशन रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे थे और कंडेंसेशन रिएक्शंस में हम एल्डोल कंडेंसेशन को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स कैनिज़ेरोस रिएक्शन. ओके, तो अब कैनिज़ेरोस रिएक्शन जो हैं वो बेसिकली सिर्फ एल्डिहाइड्स ही परफॉर्म करेंगे. तो इसकी रीज़न हम एंड में देखेंगे, जब हम कैनिज़ेरोस रिएक्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे, उसका मैकेनिज्म भी देख लेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाई कीटोन्स डोंट अंडरगो कैनिज़ेरोस रिएक्शन. ठीक है, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन में हमने ये देखा कि था कि एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों ही एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म कर रहे थे. Let's see the definition of Kanizaro's reaction. This reaction is only carried out by aldehydes having no alpha hydrogen atoms in them. Okay? अब इसकी कंडीशन ये है, जैसे कि एल्डोल की एल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन थी कि उनमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए बोथ एल्डिहाइड और कीटोन्स में, लेकिन यहाँ पर एल्डिहाइड्स में अल्फा हाइड्रोजन जो है वो नहीं होना चाहिए. अगर नहीं होगा तो ही कैनिज़ेरोस रिएक्शन परफॉर्म होगा. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड आर इन्वॉल्व्ड. अब एक मॉलिक्यूल यानी जो भी आप एल्डिहाइड ले रहे हैं ना, उसके टू मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, वन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर इज रिड्यूस्ड, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है अक्सर कि कैनिज़ेरोस रिएक्शन को ओ का अनदर नेम क्या है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. ओके, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है, उसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही है और जो है वो रिडक्शन भी हो रही है. तो स्टूडेंट्स, मैंने 16 चैप्टर में आपको ऑक्सीडेशन सीरीज लिखवाई थी, जो कि हम कन्वर्जन्स में यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. उसमें क्या था कि अल्केन्स जो हैं वो ऑन ऑक्सीडेशन कन्वर्ट होते हैं अल्कोहल्स में. ठीक है, और अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन कन्वर्ट होंगे हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में, और एल्डिहाइड और कीटोन्स फर्दर जो है वो कन्वर्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में. ठीक है, तो ये हमारे पास होल जो है वो ऑक्सीडेशन सीरीज है, और इसकी रिवर्स जो हो जाएगी वो रिडक्शन सीरीज हो जाएगी. ठीक है, तो अब नोट डाउन कर लें कि हमारे पास एल्डिहाइड्स हैं, तो एल्डिहाइड्स की अगर हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो अल्कोहल बनाएगा, और रिडक्शन करेंगे तो वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा. तो इट मींस कि यहाँ पर हमारे पास कैनिज़ेरोस रिएक्शन की टू प्रोडक्ट्स होने वाली हैं, वन इज अल्कोहल एंड सेकेंड वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स. अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लेते हैं कि एग्जांपल्स ऑफ एल्डिहाइड्स अंडरगो कैनिज़ेरोस रिएक्शन. तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड ऐसे एल्डिहाइड्स हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है. तो ये देखें, ये फॉर्मल्डिहाइड है क्योंकि हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप के साथ जो है वो अल्फा कार्बन ही नहीं है. ठीक है, इसके साथ जो कार्बन होता वो अल्फा कार्बन होता, और लेकिन यहाँ पर अल्फा कार्बन भी मिसिंग है तो अल्फा हाइड्रोजन भी मिसिंग है. तो ये फॉर्मल्डिहाइड और देन बेंजल्डिहाइड. तो बेंजल्डिहाइड में अगर हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हमारे पास इस तरीके से बेंजीन के साथ एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच होगा. तो स्टूडेंट्स देखें, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, लेकिन हम देख सकते हैं कि अल्फा कार्बन के फोर बॉन्ड्स जो हैं वो बने हुए हैं, थ्री जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स हैं और वन जो है वो पाई बॉन्ड है, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए बेंजल्डिहाइड भी जो है वो हमें कैनिज़ेरोस रिएक्शन देगा. यहाँ पर हम कंडीशंस देख लेते हैं. स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन कंडीशंस आर रिक्वायर्ड एट रूम टेम्परेचर, जो कि हमारे पास है 50% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप डायरेक्ट इक्वेशन देख लें, उसके बाद हम मैकेनिज्म की तरफ मूव करेंगे कि ये देखें, ये फॉर्मल्डिहाइड है. ठीक है, उसके टू मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं कंसेंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं. देखें, एक मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, अल्कोहल में, और दूसरा जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एसिड में. लेकिन चूंकि हमारे पास सिस्टम में मेटल भी प्रेजेंट है, तो वो एसिड जो है वो मेटल का मेटल सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा. ठीक है, प्योर एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पर आपको एच की जगह पोटेशियम नज़र आ रहा है. ठीक है, सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट है ये, पोटेशियम सॉल्ट की फॉर्म में. नेक्स्ट हमारे पास देखें,
टू बेंज एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स हैं, कंसेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर आपको अल्कोहलिक ग्रुप नज़र आ रहा है और यहाँ पे एसिडिक ग्रुप इन सॉल्ट फॉर्म आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिएक्शन हैं। नाउ वी विल सी द मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ेरोस रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली जो हम अभी रिएक्शंस कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, तो हम बेस कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शंस कर रहे हैं जिसमें हमने HCN भी कर लिया है, ठीक है, और एल्डोल कंडेंसेशन भी कर लिया है, और अब हम कैनिज़ेरोस कर रहे हैं। ठीक है, तो इट मींस कि हमें जो वो बेस कैटलाइज का जनरल मैकेनिज्म था उसको फॉलो करना है। उसको हमने HCN में भी फॉलो किया है, ठीक है, और एल्डोल कंडेंसेशन में भी उस मैकेनिज्म को फॉलो किया है। इसी वजह से अगर वो जनरल मैकेनिज्म आपको आता है तो हर फर्दर रिएक्शन की का मैकेनिज्म करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो इसको रिकॉल कर लें, देख लें कि क्या स्टेप्स थे। तो ये देखिए, हमारे पास बेस की प्रेजेंस में न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेप क्या था, ये हम रिकॉल कर रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमने प्रोड्यूस करना है, और सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल ने ऐड होना है, ठीक है, और एक नेगेटिव स्पीशी बन जाएगी, और थर्ड स्टेप में वो नेगेटिव स्पीशी क्या करेगी, खुद न्यूट्रल होने के लिए खुद न्यूट्रल होगी। ठीक है, और साथ जो है वो बेस को रिप्रोड्यूस भी कर देगी, रीजनरेट भी कर देगी, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर बेस जो है वो एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये तीन स्टेप्स हैं, ये आपने याद रखने हैं, प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड प्रोडक्शन ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, ये रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट, और जो भी नेगेटिव स्पीशी है वो भी न्यूट्रल प्रोडक्ट में चली जाएगी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ेरोस रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डायरेक्ट रिएक्शन लिखा हुआ है कैनिज़ेरोस रिएक्शन का। ठीक है, तो अब देखें, उसी अगर हम मैकेनिज्म को अपने माइंड में रखें तो ये देखें, इसमें भी हमने एक मॉलिक्यूल को न्यूक्लियोफाइल एक्ट करवाना है और दूसरे के कार्बोनाइल को ब्रेक करना है। ठीक है, जिस जो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है उसका कार्बोनाइल ब्रेक नहीं होता। ठीक है, तो जो ग्रीन में है यहाँ पर वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, तो आपको नज़र आ रहा है उसका जो है वो कार्बोनाइल ब्रेक नहीं हुआ, वो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, कार्बोनाइल रिटेन रह रहा है, और फर्स्ट वन जो फॉर्मेल्डिहाइड है जो रेड में है, ठीक है, इसका जो कार्बोनाइल है वो ब्रेक होगा पाई बॉन्ड, और वो हमारे पास ये देखें अल्कोहलिक ग्रुप यानी OH ग्रुप में कन्वर्ट हुआ हुआ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये डायरेक्ट रिएक्शन है। अभी इसको आप सिंपल इसी तरह से देख लें, इसको आपने रटा नहीं लगाना, सिंपल है कि ये देखें वन कार्बन एल्डिहाइड है और ये वन कार्बन एल्डिहाइड है, बस इसको आपने वन कार्बन अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो वन कार्बन अल्कोहल क्या होता है, मैथानोल होता है। ठीक है, उसी को मैंने ये ओपन करके लिखा हुआ है, और ये वन कार्बन एसिड है, तो वन कार्बन एसिड लिखना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। वन कार्बन एसिड ऐसे होता है कि ये एसिड है, एसिड है, और उसके साथ यहाँ पर भी एच लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये वन कार्बन एसिड हो जाता है, तो ये प्रोडक्ट लिखनी मुश्किल नहीं है। अब हम इसके मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बेस जो है वो अटैक करेगी, तो यहाँ पर कोई भी उस तरीके से इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन नहीं है जिसको बेस जो है वो अटैक करके वाटर में कन्वर्ट करे, लेकिन आपको पता है कि कार्बोनाइल जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, पार्शलाइज हो जाता है, पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव में। तो अब हमारे पास बेस नेगेटिव है, तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक स्पीशी बन गई है जो कि एक नेगेटिव स्पीशी है, और ये OH ग्रुप इसमें ऐड हो गया। ठीक है, तो ये नेगेटिव स्पीशी को आप न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कहेंगे कि हमने एक हाइड्रोक्सिल बेस को यूज़ करते हुए यानी कैटलिस्ट को यूज़ करते हुए एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा एक एनायन है, ठीक है, नेगेटिव स्पीशी भी है एनायन भी है, और इसने क्या करना है, अब सेकेंड मॉलिक्यूल में के कार्बोनाइल में अटैक करना था। ठीक है, तो ये यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट एक स्टेप है स्टूडेंट्स, कि ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनायन बना है ये डायरेक्टली जो है वो हमारे पास सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड में ऐड नहीं होगा खुद से। तो ये एक बहुत ही बल्की एनायन ग्रुप है, अगर स्मॉलर सा होता तो इसने अटैक कर लेना था और कार्बन पॉजिटिव पे अटैच हो जाता, लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब कार्बन के फाइव बॉन्ड्स होंगे तो उसको एक बॉन्ड ब्रेक करना है, तो वो क्या करेगा, कार्बन हाइड्राइड आयन जो है वो हमारे पास H नेगेटिव, ठीक है,
ठीक है, एच नेगेटिव को जो है वो यहाँ से रिमूव करेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन भी और कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी एच नेगेटिव फॉर्म में जाकर अटैक करेगा सी पॉजिटिव पर, ठीक है। तो यहाँ पर अटैक ऑफ हाइड्राइड आयन होगा ऑन कार्बन पॉजिटिव ऑफ सेकेंड फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगी, ऑक्सीजन नेगेटिव और जो है वो हमारे पास एच यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक हो गया। और साथ ही हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, ये जो सेकंड हमारे पास मॉलिक्यूल था जो कि एन आइन की फॉर्म में था, कॉम्प्लेक्स एन आइन था, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एन आइन ने एक हाइड्राइड आइन जो है वो अपना रिमूव कर दिया है, तो देखें वो किस में कन्वर्ट हो गया है, सी डबल बॉन्ड ओ ये एच और इसके साथ जो है वो ओ एच आपको नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये एक इंटरमीडिएट स्टेप हो जाता है, क्योंकि सिस्टम में ये देखिए एसिड है और एसिड हमेशा प्रोटॉन्स डोनेट करते हैं, ऑल्दो कि ये वीक एसिड है फॉर्मिक एसिड, लेकिन ये अपना प्रोटॉन डोनेट करता है और ये हमारे पास जो है वो एक एन आइन प्रेजेंट है, तो वो ये क्या करेगा कि इस जो है पॉजिटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव को जो है वो अटैक करके प्रोडक्ट बना लेगा मैथानोल, ठीक है। हमारे पास ये मैथानोल की एक प्रोडक्ट बन जाएगी, इसको हम इसी तरीके से यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट में ही यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ गया कि नाउ हमारे पास एक प्रोडक्ट कंप्लीट हो गई है जो थी फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, तो हमारे पास मैथानोल बन चुका है, ये देखें, ठीक है, ये मैथानोल बन चुका है। और अब साथ ही हमारे पास क्या चीज़ बन गई है, एसिड जो है वो एसीटेट आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है, ये देखें एच सी डबल बॉन्ड ओ और ओ नेगेटिव, ठीक है, इस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अब हमने जनरल मैकेनिज्म में लास्ट स्टेप क्या देखा था कि हमारे पास कोई भी नेगेटिव स्पीशी है तो उसने अपने आप को पॉजिटिव करना है, तो सिस्टम में क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में ये रिएक्शन हो रहा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बहुत हाई कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट है, तो अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये हमारे पास फॉर्मेट आइन जो है वो रिएक्ट करेगा और न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको रिएक्ट करवाते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, और उसको जाके सोडियम मेटल पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से सोडियम और ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड जो है वो सोडियम सॉल्ट फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, अलॉन्ग विथ जनरेशन ऑफ बेस, ठीक है। अब ये सोडियम फॉर्मेट बन गया है हमारे पास, तो अब ये देखें तीन स्टेप्स हैं, वैसे तो फोर स्टेप्स हैं लेकिन मैंने टू और थ्री स्टेप को इकट्ठा ही कर दिया, मतलब एक ही लाइन में फ्लो में लिख दिया, ठीक है, आप उसको फोर भी कह सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि इसका जो थर्ड स्टेप है ना, ठीक है, ये एक एडिशनल स्टेप है, ठीक है, ये थर्ड स्टेप जो है वो एक एडिशनल स्टेप है। लेकिन अगर हम मैकेनिज्म के लिहाज से देखें तो मैकेनिज्म में क्या था, सबसे पहले कि बेस आएगी और एक नेगेटिव स्पीशीज स्ट्रॉन्ग एनायन को क्रिएट करेगी, ठीक है, या न्यूक्लियोफाइल को क्रिएट करेगी, और न्यूक्लियोफाइल ने फिर अटैक करना था कार्बन पॉजिटिव सेंटर पर, लेकिन आप यहाँ पर देखें ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनायन है और इतना बल्कि है कि ये सारा का सारा जाके कार्बन पर अटैच नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि अपने ही नेगेटिव जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कार्बन के साथ शेयर करके डबल बॉन्ड बना देगा और हाइड्राइड आयन मतलब एच नेगेटिव को जो है वो अटैक करवाएगा, एक स्मॉल सी जो है वो आप कह सकते हो न्यूक्लियोफाइल, यानी एच नेगेटिव भी न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा था यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उसने कार्बन पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करना था, ठीक है, उस पर अटैक करवाया, ठीक है। उसके बाद आपके पास दो प्रोडक्ट्स बन गई हैं, एक जो है वो मेथॉक्साइड आइन बन गया है और साथ ही एसिड है, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सोचने की, कोई रटा नहीं लगाना, क्योंकि एसिड है तो एसिड ने जल्दी से जल्दी प्रोटॉन डोनेट करना है अपना, ठीक है, और जो इस जो सी एच थ्री ओ नेगेटिव स्पीशी है उसने एक्सेप्ट कर लेना है एकदम से और न्यूट्रल होकर मैथानोल बना देना है, ठीक है। तो अब लास्ट स्टेप में है ये है कि ये हमारे पास जो फॉर्मेट आइन है फॉर्मिक एसिड का जो फॉर्मेट आइन है ये सिस्टम में अनदर बेस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके सोडियम फॉर्मेट फॉर्म में आ जाएगा और जो है वो बेस को रीजनरेट कर देगा, ठीक है।
तो बेसिकली जो मैकेनिज्म था वही फॉलो हो रहा है, सिर्फ बल्कीनेस ऑफ दिस एनाइन की वजह से यहाँ पर जो है वो एक और स्टेप जो है वो हमने यहाँ पर परफॉर्म किया है, ठीक है। तो बाकी आपने उसी जनरल मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए कैनिजरोस रिएक्शन भी परफॉर्म करना है, ओके। अब लास्ट में आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई एल्डिहाइड्स अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो कीटोन्स क्यों नहीं परफॉर्म कर सकते, ठीक है। तो कीटोन्स, सबसे पहले तो ये है कि हम जो जनरल कीटोन्स लेते हैं, ठीक है, तो उनमें आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होता ही है, ठीक है, इस तरीके से अल्फा हाइड्रोजन होता ही है। लेकिन अगर आप ऐसा कीटोन सिलेक्ट कर लें कि ये आर की जगह हाइड्रोजन की जगह तमाम के तमाम अदर ग्रुप्स लगे हुए हों, तो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। मींस कि अगर आप इस पे अदर ग्रुप्स अटैच कर दें, तो अब आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कीटोन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। अब इस कीटोन को कैनिजरोज रिएक्शन परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या ऐसा जो कीटोन है तो क्या वो कैनिजरोज रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर आप अगेन रिकॉल कर लें कि आपके पास सेकंड जो स्टेप था, सेकंड स्टेप में बहुत इम्पॉर्टेंट एक काम हो रहा था, और वो ये काम था कि अटैक ऑफ और शिफ्ट ऑफ हाइड्राइड आयन, आप भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर हाइड्राइड आयन शिफ्ट हो रहा था, ठीक है, हाइड्राइड आयन शिफ्ट हो रहा था। अब क्या आप अगर इसी को कीटोन्स में कंसिडर करें, ठीक है, तो कीटोन्स में कंसिडर करेंगे तो क्या आपके पास हाइड्राइड आयन होगा शिफ्ट करने के लिए? नहीं, क्योंकि देखें आपके पास इस कार्बन के साथ, यानी ये जो आपने स्टार्टिंग कार्बन लिया हुआ है, कार्बोनिल कार्बन, उसके साथ तीनों साइड पे कार्बन्स जो अटैच हैं, और वो कार्बन्स भी जो है वो बल्कि ग्रुप्स के साथ अटैच हैं फर्दर, ठीक है, तो उनके पास कोई भी हाइड्राइड आयन नहीं होगा शिफ्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नोट करेंगे, फर्स्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म, मतलब जिसमें बेस आकर अटैक करेगी ऑन कार्बन पॉजिटिव और OH जो है वो अटैच हो जाएगा। यहाँ पर हम OH भी अटैच कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर OH अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये वाली स्पीशी यहाँ पर इस फॉर्म में आ गई है, ठीक है, कीटोन अगर हम लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में तो हाइड्राइड आयन जो है वो स्पीशी ने रिमूव करना था, हाइड्राइड आयन रिमूव करना था, तो क्या यहाँ पर हमारे पास कोई हाइड्राइड आयन है रिमूव करने के लिए? नहीं। तो यहाँ पर कीटोन्स के पास हाइड्राइड आयन नहीं है शिफ्ट करने के लिए, दैट्स व्हाई कीटोन्स जो है यहाँ पर कैनिजरोज रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो इस रीजन को आप इस तरीके से देख सकते हैं, कैनिजरोज रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ हाइड्राइड आयन शिफ्ट फ्रॉम अ कार्बोनाइल कार्बन दैट इज अटैक्ड बाय बेस, यानी वो कार्बोनाइल कार्बन जिसके ऊपर बेस ने अटैक किया हुआ है, OH अटैच है उसके साथ, तो वो हाइड्राइड आयन शिफ्ट करता है टू अनदर कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, जो पहले वाला हमारे पास मॉलिक्यूल था, द फॉर्मर मॉलिक्यूल देन रिफॉर्म्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द लेटर वन रिसीव्स द हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन रिसीव करता है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। सिंस देयर इज नो हाइड्रोजन अटैच टू द कार्बोनाइल कार्बन इन अ कीटोन टू कैरी आउट हाइड्राइड आयन शिफ्ट, देयरफॉर इट डज नॉट अंडरगो कैनिजरोज रिएक्शन। तो ये प्रॉपर इसका आंसर है, ये आपके अंडरस्टैंड करने के लिए है कि आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि भाई एल्डिहाइड ही क्यों कैनिजरोज दे रहे हैं, कीटोन्स क्यों नहीं दे रहे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम जो है वो HCN और कंडेंसेशन रिएक्शंस बोथ एल्डोल एंड कैनिजरोज विद मैकेनिज्म जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम हेलोफॉर्म रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू।